नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट का जो वीडियो हुआ था उसमें देखा था इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश, जैसे मीन लाइन है, इफेक्टिव प्रोफाइल है, उसके बाद फ्लॉ है, ले है, सेंटर लाइन, ये सारा उस वीडियो में देखा था। वो आप डेफिनेशंस पहले देख लो और फिर ये वीडियो की तरफ आओ, क्योंकि ये वीडियो में वो जो डेफिनेशंस है उसका कुछ रेफरेंस यहाँ पर आपको आ सकता है। तो इस वीडियो में क्या देखना है वो देख लेते हैं पहले। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सरफेस रहेगा, मैन्युफैक्चर्ड सरफेस, उसको आपको सरफेस रिफनेस चेक करना है। उसका चेक करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ता है, आपका जो टिप रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट का, वो आपको सरफेस पर रखना पड़ता है और फिर मशीन को स्टार्ट करना। फिर वो अंदर का जो सरफेस रहेगा वो क्या होता है, वो आपके सरफेस पर ट्रैवल करता है और फिर आपको डिस्प्ले पर कुछ तो रीडिंग दिखाता है। अभी वो जो रीडिंग दिखाएगा वो अलग अलग टर्म्स में रहते हैं। मतलब अगर न्यूमेरिक वैल्यू रहती है 0.7, 1.2, तो उसके सामने आर ए आता है, कभी आर जेड आता है, कभी सी एल ए आता है, कभी आर एम एस आता है। तो ये जो सी एल ए मतलब क्या, आर ए मतलब क्या, ये सारे कुछ ये आगे के कुछ वीडियोस में आपको देखने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आज का जो ये है वैल्यू है, मतलब समझ के लेना है टर्म, वो क्या है आपका आर ए। आर ए मतलब क्या वो पहले बता देता हूँ। एस एट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज। मैंने यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन समझाने के लिए जो डायग्राम लिया था वही डायग्राम आपको कंटिन्यू किया है। आपका ये क्या है, एक्चुअल प्रोफाइल है, इफेक्टिव प्रोफाइल जो मशीन से क्या हुआ है, कैच हुआ है। फिर यहाँ पे आपका सेंटर लाइन है, आप इसको मीन लाइन भी बोल सकते हो। तो आर ए का वैल्यू, आर ए का जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से, इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स फ्रॉम मीन लाइन। अभी क्या है कि देखो, आर ए इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। ये जो ऑर्डिनेट्स है, मतलब आपके जो प्रोफाइल थे उसमें मैंने क्या किया, ऑर्डिनेट्स डाले वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई सिक्स, वाई सेवन, ऐसे करते करते वाई एन तक ऑर्डिनेट्स है। तो इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स विदाउट कंसिडरिंग इट्स अल्जेब्रिक साइन इज कॉल्ड आर ए। और ये क्या है, क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट है, आपको कुछ तो उसके क्या आती है, वैल्यू आते है। ये रहा आर ए का। अब इसमें क्या हो रहा है, आप जो ऑर्डिनेट्स है उसका अरिथमेटिक एवरेज ले रहे हो विदाउट कंसिडरिंग साइन। इसका नेक्स्ट जो है वो क्या है, आर जेड है। इम्पॉर्टेंट बात बतानी रह गई मुझे, ये जो सैम्पलिंग लेंथ है, विद इन द सैम्पलिंग लेंथ आपके जो ये जर एन रहेगा, या ये क्या रहेगा, आपके ऑर्डिनेट्स रहेंगे। और इसको आर ए जो है, आपकी वैल्यू किस में आती है, माइक्रोन्स में आती है। अब ये आर जेड देखना है। आर जेड में क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू योर मीन लाइन है। फिर उसके बाद ये जो एल दिख रहा है, एल क्या है आपका, सैम्पलिंग लेंथ। सैम्पलिंग लेंथ पता है आपको डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द लेंथ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ सरफेस रफनेस। अब पूरा सरफेस चेक नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या करता है, छोटा पार्ट कंसिडर करते हैं, उसको सरफेस सैम्पलिंग लेंथ कहते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप कि एक हाइस्ट पॉइंट है, फिर एक लोएस्ट पॉइंट मार्क किया है, फिर हाइस्ट पॉइंट मार्क किया है, फिर लोएस्ट पॉइंट मार्क किया है। फिर उसको मैंने क्या किया, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स, ऐसे करके मैंने आर टेन तक नाम दिए है। फिर इसका आता है टर्म आर जेड, मतलब क्या, इट इज़ द 10 पॉइंट एवरेज मेथड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 पॉइंट एवरेज मेथड। 10 पॉइंट एवरेज मतलब क्या, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि इट इज़ द एवरेज बिटवीन 5 हाईएस्ट पीक एंड 5 लोएस्ट वैल्यूज विद इन द सैम्पलिंग लेंथ पैरेलल टू योर मीन लाइन। ऐसी इसकी डेफिनेशन है। अगर इसको आपको फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, देखो, इजिकल टू आर जेड इजिकल टू 1.5, उसमें क्या करना है, 5 हाईएस्ट पीक माइनस 5 लोएस्ट वैल्यू। पीक मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा, और वैल्यू मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा। तो 5 हाईएस्ट पीक का क्या करना है, आपको एडिशन करना है आर वन, आर थ्री, आर फाइव, आर सेवन, आर नाइन, आर वन, आर थ्री, आर फाइव, आर सेवन प्लस आर नाइन। इसको क्या करना है, फिर माइनस, अब इसमें से माइनस क्या करोगे आप, इट इज़ द एवरेज डिफरेंस बिटवीन 5 हाईएस्ट पीक माइनस 5 लोएस्ट वैल्यूज। वैल्यूज़ क्या है आपके, आर टू, आर फोर, आर सिक्स, आर एट, आर टेन, आर टू, आर फोर, आर सिक्स, आर एट और आर टेन। अभी आप बोलोगे कि सर कहीं आपने आर ए भी पढ़ाया, आर जेड भी पढ़ाया,
इसका कैसे मालूम है क्या? आपका जैसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर आपको इंस्पेक्शन का कॉस्ट कम करना है या ज़्यादा करना है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या करते हो। कभी कभी आप आर ए वैल्यू सेलेक्ट करते हो, कभी आर जेड सेलेक्ट करते हो, कंट्री वाइज भी डिफरेंट रह सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।